हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब बेंटन की न्यू मूवी का ट्रेलर आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम उसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि गाइस फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग जल्दी से उस वीडियो को देख पाएँ। तो स्पॉइलर्स का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन और ग्रैंडपा जो एक बड़ी सी स्क्रीन के अंदर देख रहे होते हैं, जहाँ पे उनको एक खतरा दिखाई देता है, जिसके बाद ग्वेन बेंटन को ये बोलती है कि शायद ये हमारी दुनिया का अंत हो सकता है, जिसके बाद बेंटन बोलता है कि मैं उस खतरे के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। अगले सीन में बेंटन हमें बाहर देखने को मिलता है और वो अपनी ओमनीट्रिक्स के अंदर जेटरे को देखता है, जिसके बाद वो ओमनीट्रिक्स के अंदर एक की लगाता है, जिससे कि बेंटन जब जेटरे बनता है तो उसको एक आर्मर मिल जाता है और तुरंत ही बेंटन जो है अर्थ से बाहर निकल जाता है और हमें बेंटन अर्थ से बाहर जाते हुए दिखाई भी देता है। लेकिन गाइस तभी बेंटन के जो ग्रैंडपा है काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बेंटन के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिसके बाद बेंटन जो है उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही बेंटन उस पोर्टल से बाहर आता है तो हमें देखने को मिलता है कि बेंटन की ओमनीट्रिक्स उसे जेटरे से इंसान बना देती है और उसे एक स्पेस आर्मर दे देती है ताकि स्पेस के अंदर वो सर्वाइव कर सके। और उसके तुरंत बाद हमें इनक्रेजेंस की शिप देखने को मिलती है, जो कि बेंटन को स्पेसशिप के अंदर खींच लेती है और वहाँ पे बेंटनिसन की फाइट होती है थोड़ी देर के लिए इनक्रेजेंस के साथ, जिसके बाद बेंटन जो है उनको स्पेस में फेंक देता है। और वहाँ पे बेंटनिसन जब ह्यूमंगसोर में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेंटन की ओमनीट्रिक्स ह्यूमंगसोर को भी एक स्पेस आर्मर दे देती है। यानी कि बेंटन की जो वॉच है इस मूवी के अंदर हर एक एलियन को जो कि स्पेस के अंदर हमें दिखाई देगा उसको एक आर्मर प्रोवाइड करेगी, जिससे वो स्पेस के अंदर सर्वाइव कर सके। ट्रेलर के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है टेट्रेक्स, जो कि बेंटन के ऊपर अटैक करता है और बेंटन जो है डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। अब टेट्रेक्स बेंटन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, इसका जवाब तो हमें मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। ट्रेलर के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि बेंटन अपने एलियन का यूज करके एक और पोर्टल खोलता है, जिसके बाद उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अगले सीन के अंदर बेंटन कैनन बोल्ट बन जाता है और कैनन बोल्ट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी से अटैक कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन का एक एलियन आए गए होता है। और वहाँ पे हमें वेयरवुल्फ भी देखने को मिलता है और उसके बाद हमें गोस्ट फ्रिक भी देखने को मिलता है। और गाइज ये बात मैंने आप लोग को टीजर में ही बता दी थी कि इस मूवी के अंदर शायद तक हमें गोस्ट फ्रिक जरूर देखने को मिलेगा, और वैसे ही हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिला कि इस मूवी के अंदर गोस्ट फ्रिक भी है। और अब इस सीन के अंदर बेंटन एक ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे गोस्ट फ्रिक का फुल्ली तरह से कब्जा है। और गाइज मुझे लगता है कि ये प्लेस कोई और नहीं बल्कि एजमत की लैब है, क्योंकि अगले ही सीन के अंदर हमें एजमत देखने को मिलता है। और क्या पता बेंटन ने वो पोर्टल इसीलिए खोला होता कि वो एजमत की हेल्प करने के लिए आ सके और एजमत को गोस्ट फ्रिक से बचा सके। ट्रेलर में इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक अनजान स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी है और वो जैसे ही अर्थ के ऊपर लैंड करती है तो हमें पता लगता है वो कोई और नहीं बल्कि विलगैक्स है। ट्रेलर के अगले ही सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बेंटन की फैमिली के ऊपर विलगैक्स एक कार से अटैक कर रहा होता है और वहाँ पे केविन 11 भी होता है। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो इस सीन के अंदर केविन की हाथ के ऊपर भी एक ओमनीट्रिक्स है, और गाइस वो ओमनीट्रिक्स नहीं बल्कि एंटीट्रिक्स है, जो कि हमें बेंटन रिबूट के अंदर पहले भी देखने को मिल चुकी है। इसके बाद ट्रेलर के अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि विलगैक्स ने अपनी पावर का यूज करके एक पूरी सिटी को जला दिया है और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद विलगैक्स एक दीवार को चीरते हुए दिखाई देता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे विलगैक्स जो है ग्वेन टेनिसन, मैक्स टेनिसन और केविन 11 का पीछा कर रहा है और वो सब यहाँ पे छुपे हुए हैं, जिनके पीछे विलगैक्स आ चुका है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है बेंटन की शैडो, जो कि विलगैक्स के पास आ चुका है और विलगैक्स जो अपनी पावर का यूज करता है और अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द जो है एक रेड कलर की एनर्जी देखने को मिलती है। अब वो एनर्जी कहाँ से विलगैक्स को मिली है ये तो मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा, बट विलगैक्स के इस साइज को देख के बेंटन जो है वेविक का यूज करता है। यानी कि मूवी के अंदर हमें वेविक वर्सेस विलगैक्स की एक काफी बड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। और ट्रेलर के एंडिंग सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बेंटन दोबारा से स्पेस के अंदर जा चुका और वहां पे वो एक पोर्टल को दोबारा खोलता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा ब्रेकडाउन। अब इस मूवी के ट्रेलर को देख के हमें ये बात तो पता लग गई है कि इस मूवी का जो मेन विलन है वो विलगैक्स होने वाला है, लेकिन इस मूवी के अंदर काफी सारे और विलन जैसे कि आएगा बेयरवुल्फ, टेट्रेक्स या फिर गोस्ट फ्रिक, इनका भी बेंटन जो है सामना करेगा। तो गाइस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि गाइस फ्यूचर वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे।
और अगर आप लोग को वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। और गाइस हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारी ऑसम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग उन वीडियोस को भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइज मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।